हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी अभी रिजल्ट आया है एंड हमेशा की तरह इस बार भी हम लोगों ने दी बेस्ट रिजल्ट दिया है। वी हैव गिवन द बेस्ट रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया बैक टू बैक 15 टाइम। बहुत सारे रैंक होल्डर्स, बहुत सारे क्वालिफाइड सीएस, बहुत सारे हाईएस्ट मार्क्स, बहुत सारी एग्जेम्पशन, अनलिमिटेड स्टूडेंट गॉट पास एंड जितने भी रैंक होल्डर हैं सबके इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करेंगे अपने चैनल पे। और सबसे पहले आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ एक रैंक होल्डर को, ही इज करण गोयल एंड ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 16 इन सीएस एग्जीक्यूटिव। आज इनसे बात करेंगे हम लोग कुछ और इनसे जानेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए सीएस एग्जीक्यूटिव में, कैसे रैंक लाया जाता है, ये सब बताएंगे आज आपको। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है करण उनका जवाब देगा डायरेक्ट। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए, मैं अपने जवाब लिखूंगा, करण आपको सपोर्ट करेगा और डिस्कस करेंगे कि कैसे मेहनत की जाए और कैसे रैंक लेकर आए। और एक एक करके अब करण के पास चलते हैं और करण से पूछते हैं उनके बारे में कैसे प्रिपरेशन की और कैसे वो आपको गाइड कर सकते हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले करण, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। ऑल इंडिया रैंक 16 कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि हाउ इज योर फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको और इतनी बड़ी अचीवमेंट, घर पे सब खुश होंगे, घर पे सब खुशियां मना रहे होंगे, आपकी कैसी फीलिंग है अभी, आप सब सबको बताएंगे। सब सर बहुत बढ़िया फील हो रहा है सर, बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है सर। पहले तो जब रिजल्ट आया दो तीन बार चेक किया, ट्रस्ट नहीं हो रहा था सर रैंक आ जाएगी। और बस सर अब घर पे बहुत अच्छा फोन आ रहे हैं सर बार बार, एंड मम्मी पापा भी बहुत खुश है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। तो वेल डन करण, बहुत बहुत बधाई है आपको फिर से। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे ऑन बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट कि हाउ इज योर प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन कैसे की सी एस एग्जीक्यूटिव में रैंक लाने के लिए, प्रिपरेशन कैसे रही आपकी, तो इसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स को बताइए प्लीज़। सर सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ क्लियर नहीं था माइंड में कि सर क्या करना है, कॉमर्स में ही पढ़ाई करनी थी लेकिन क्या कोर्स करना चाहिए वो नहीं समझ आ रहा था। तो सर कंसल्ट किया दोस्तों से, फैमिली में, एंड मेरा भाई सीएस है तो उसने भी रिकमेंड किया कि सीएस कोर्स अच्छा है और अच्छी नॉलेज लॉ में हो जाएगी। और फिर मैंने सर अप्रोच किया, देखा कि मतलब कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेनी चाहिए, दोस्तों से, भाई से पता किया, तो सर लॉ के लिए तो पता चला, सबसे ही पता चला कि सीएस अनूप जैन सर से बेस्ट कोई नहीं है, तो और प्रैक्टिकल के लिए अरुण सेठी सर। तो बस सर मैं अकेडमी 99 से फिर परचेज कर ली सारी क्लास बिना ज़्यादा टाइम लगाए। तो फिर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एंड देन मेहनत की और फिर आज उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। और करण अब मैं ये पूछना चाहूँगा एक चीज़, एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा कि जब एग्ज़ाम की तैयारी बच्चा करता है तो बेसिकली अब आप तो एग्ज़ाम दे चुके हो, रैंक ला चुके हो, तो किन किन बातों का ध्यान एक एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम देते टाइम रखना चाहिए, कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आपने ध्यान रखी और आपको सक्सेस मिली, और वही बातों का ध्यान अगर बच्चा रखे, दूसरे स्टूडेंट रखे तो उनको भी सक्सेस मिले, तो इसको इस चीज़ के ऊपर बच्चों को कुछ गाइड कीजिए प्लीज़। सर सबसे पहले तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढना, वो भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले, क्योंकि एट दी एंड क्वालिटी ऑफ कोचिंग बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशंस के लिए। तो सर उसके लिए तो सर आप ही ने पूरी तरह हेल्प किया सर मेरे को। देन उसके बाद कोचिंग टाइमली ख़त्म होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेल्फ स्टडी के लिए भी एक एम्पल टाइम बचे, 2.5-3 महीने सर बहुत ज़रूरी हैं सेल्फ स्टडी के लिए। और देन सर ओन खुद के नोट्स बनाना भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, मैंने तो ज़रूर बनाए थे, कोचिंग के साथ साथ आपको अपने नोट्स भी बनाने चाहिए। और उसके बाद सर रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी तरह से सर लॉ बेस्ड ही है कोर्स एक तरह से, तो सर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मैंने खुद 4-5 बार रिवीजन किया था और आपको भी यही कहूँगा सर रिवीजन ज़रूर करना चाहिए बहुत बार। और सर उसके बाद पैनिक के लिए कहूँगा सर पैनिक नहीं करना चाहिए, लास्ट में 8 पेपर हैं, 2 ग्रुप हो जाता सर पैनिक, तो पेपर से पहले और इवन पेपर के टाइम भी 3 घंटे में अगर एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सर पैनिक नहीं करना चाहिए उस टाइम। तो ये करण एक बहुत अच्छी बात बताई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ और सब बच्चे इसको प्लीज़ लिख लें। सबसे पहली बात तो करण ने जो बोली है कि कोचिंग टाइमली कंप्लीट कर लें, क्योंकि कोचिंग अगर आप टाइमली कंप्लीट कर लेंगे तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको एम्पल टाइम मिलेगा। सेल्फ स्टडी इज़ द की, कोचिंग जरूरी है ठीक है, लेकिन
सेल्फ स्टडी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड बात करण ने बोली है कि आपको ICSI स्टडी मटेरियल पे पूरा फोकस करना चाहिए। बच्चा सिर्फ रेफरेंस बुक पे चला जाता है और ICSI स्टडी मटेरियल नहीं देखता है, वो बिल्कुल गलत है। आपको रेफरेंस बुक के साथ साथ स्टडी मटेरियल को भी कंप्लीट करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ करण ने बताई है, दैट इज़ रिवीजन, कि आपको रिवीजन कई बार करनी चाहिए और जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, तो रिवीजन के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए आप लोगों का। ये एक करण ने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। और चौथी चीज़ जो करण ने बताई है कि पैनिक नहीं करना है, प्रिपरेशन करते टाइम भी आप पैनिक ना करें और एग्ज़ाम जब दे रहे हो तब भी पैनिक ना करें। जब मेहनत की है टूट कर तो फिर पैनिक क्यों करेंगे आप? तो दैट इज़ द वेरी वेरी एसेंशियल पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात बताई करण आपने। और अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गई है, नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? अब आपका अगला टारगेट क्या रहेगा? सर, सबसे पहले तो 7-8 दिन तक तो सर कोई टारगेट नहीं है सर, पार्टी करनी है 7-8 दिन पूरी, पढ़ाई करी है तो अब सर उसको एंजॉय भी करना है, और देन फिर बस एक बार वो सब खत्म हो जाए तो सर प्रोफेशनल के लिए भी ऐसे ही लग जाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो 16th आई है सर, उसे फर्स्ट रैंक लानी है आपकी बार। अगेन करने एक बड़ी अच्छी बात बोली और दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी ऑल इंडिया रैंक 16 आया है करण का, और करण ने अभी ये बोला कि अभी 16 रैंक आया है और इतनी मेहनत करनी है कि जो 16 रैंक आई है वो फाइनल के अंदर रैंक 1 में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेशन, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप में ये है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और वो दिन दूर नहीं हम दोबारा यहाँ पर बैठे होंगे और दोबारा इंटरव्यू चल रहा होगा करण का, और इस बार रैंक 1 का होगा CS प्रोफेशनल में फॉर श्योर। दिस इज़, और आपको भी इसी तरीके से मोटिवेट रहना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। जितने मोटिवेट आप रहेंगे उतना अच्छा आप अपनी जिंदगी में करेंगे। तो बहुत अच्छी बातें बताई हैं करण आपने। और एक एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? तो प्लीज़ कुछ अगर अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे तो प्लीज़ स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। सर, मैसेज तो यही बस कि सर हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, तो हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। हार्डवर्क करें खूब, और सर हार्डवर्क करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस भी मिलेगी। एंड देन उसके बाद सर, जैसे आपने भी बताया, वो मिस कर दिया मैंने, कि ICSI स्टडी मैट ज़रूर बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैंने भी खुद भी पढ़ा था, और उस वो सर अगर आप पूरी तरह कर लेते हैं तो सर क्वेश्चन आपको सारे देखे देखे लगेंगे, पूरी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो वो सर बहुत ज़रूरी है। ICSI स्टडी मैट ज़रूर अपने खुद करें, एंड बस सर। वेल डन। और करण ने फिर से एक चीज़ पे स्ट्रेस किया है कि ICSI स्टडी मैट पे पूरा फोकस करें, उसे पूरा कंप्लीट करें, तो दैट इज़ की आई एम टेलिंग यू, और आपको ये ज़रूर ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन करण आपको दोबारा, ऑल इंडिया रैंक 16 CS एग्जीक्यूटिव कोई छोटी बात तो नहीं है। और आप सब लोगों के लिए बोलूँगा, आपको कोई भी क्वेश्चन करण से पूछना है, मुझसे पूछना है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, हम डेफिनेटली आपको उस चीज़ का जवाब ज़रूर देंगे और आपको मेहनत करेंगे आपको रैंक अचीव करवाने में। तो आज के लिए इतना ही, एंड बाकी रैंक होल्डर के साथ वीडियोज़ और इंटरव्यू हम लोग ज़रूर कंडक्ट करेंगे और इस चैनल पर हम ज़रूर डालेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच।